आप मेरे साथ दुआ करें, अल्लाह ताला फलस्तीन की मदद करें, हम सब मिलकर फलस्तीन की मदद करें, उनको जुल्म से बचाएं, उन पे जो इस वक्त जुल्म का सिलसिला जो जारी है वो इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। सर ये बताइए, मियां नवाज शरीफ साहब आज मुल्क वापस आए हैं, क्या कहेंगे, वेलकम करना है उनको या उनके साथ क्या किया जाए? मकसद है अभी तो वेलकम करना पड़ेगा, आए हैं वो तो मुल्क में संवारेंगे इंशाल्लाह, बहुत सारा फ़ायदा हो। पहले भी जो जब तक नवाज शरीफ 60-65 रुपये पर डीजल पेट्रोलियम जल रही थी, उसके बाद महंगाई बढ़ने लग गई। अब ये तो आने के बाद ही पता चलेगा कि किस सूरत हाल है उनकी, क्या पोजीशन है, किस हिसाब से वो काम होगा। अभी कुछ कितना वायदा और कह नहीं सकते, क्योंकि कहना मुश्किल है। जब तक वो आने के बाद वोटिंग के बाद पता चलेगा क्या सूरत हाल है। अब मियाँ साहब आएंगे तो पेट्रोलियम में कीमत गिराएंगे तो वो 70 से 80 की हर चीज़ गिरे। जब तक पेट्रोलियम की कीमत नहीं गिरेगी, अशिया की चीज़ें आपको पता ही है कि इजाफा पे इजाफा होता जा रहा है। हर 15 दिन बाद डीजल बढ़ेगा, पेट्रोलियम बढ़ेगा, पेट्रोल बढ़ेगा, तो कहाँ से वो मसले मसाइल हल होंगे? उसी हिसाब से राशन चीनी वगैरह हर चीज़ महंगी होती जा रही है, सिर्फ आवाम इतनी परेशान है। बिजली के बिलों को देखें आप, एक बिल 10-10 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार बिल आ रहा है। किराए का मकान है लोगों का, बिल कहाँ से भरेंगे? बिल के इतने तो हिसाब किताब है नहीं, लोगों के हिसाब से 2-4-5 हज़ार बिल भरने का, वो 15-15-20-20 हज़ार है तनख्वाहें, टोटल 25 हज़ार रुपये, उसमें बिल भरेंगे या खुद कमा के खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे अपने? भाई मियां साहब वापस आ गए तो नौजवानों को क्या लगता है, बेहतर होगा या नहीं? इस मुल्क का कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। हर आते हैं बस अपना मुफाद के लिए होता है, जो बंदा जितना कर सकता है अपना काम करते हैं निकल जाता है, बस अल्लाह ही जाने हमारे मुल्क का क्या होगा। मियां साहब वापस आए, कोई मशवरा दोगे आगे कि भाई ये? पहले भी यही था मियां साहब, अब भी होंगे, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। वेलकम तो हम किसी को नहीं करते, देखो क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। 3 महीने से मैं खुद बेरोज़गार हूँ, अकेला कमाने वाला हूँ, मेरे वालिद साहब नमक का ठेला लगाते हैं, गुजारा हमारा बिल्कुल भी नहीं है, मकान हमारा रेंट का ऐसा ही है। अभी भी मैं काम से ही होके आ रहा हूँ, इतना परेशान हूँ कि घर किस तरीके से चल रहा अल्लाह पाक ही चला रहा है। इसके अलावा परेशानियाँ इतनी हैं कि किसी को क्या बोलें, कुछ भी नहीं बोल सकते। बस मुस्तकबिल कर देंगे बेहतर तो अल्लाह मालिक है, नहीं तो बंदा मुस्तकबिल खुद ही हो जाता है, क्योंकि उम्मीद तो सिर्फ अल्लाह से, इसके अलावा बंदे से तो कोई उम्मीद नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है, बेरोज़गारी इतनी हो गई है, बिजली के बिलों ने बजा दिए, इंसान करे तो करे क्या। बताइएगा मियां साहब वापस आ गए, क्या कौम की उम्मीदें जागेंगी, कौम का मुस्तकबिल बेहतर होगा? भाई किसी की भी जागेगी नहीं, 70 साल में इन सियासतदानों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, आवाम को रोडों पर लिया है। आज पेट्रोल की कीमतें देखे, बिजली की कीमतें देखे, लोगों की हाल देखे, हमारी हाल देखे। ये कायदे आजम मोहम्मद अली जीना ने ये पाकिस्तान दिया था, आज ये सियासतदानों ने हमारा ये हाल कर दिया है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो रोटी चाहिए। किसी से हमें कोई उम्मीद नहीं है भाई, 70 सालों से हमें किसी ने भी कुछ नहीं दिया, कोई भी नहीं आया भाई। ऐसा बंदा आजम मुखली जो इस पाकिस्तान को संभाल ले, कोई भी ऐसा बंदा आ जाए जो पाकिस्तान को संभाल ले। आज पेट्रोल 280 रुपये लीटर है, आपके सामने आटे की कीमतें क्या है, तेल की कीमतें क्या है, चावल की कीमतें क्या है। हम मजदूर आदमी हैं, 25,000 रुपये में काम कर रहे हैं। ये बताइएगा मियां साहब वापस आ गए, क्या कौम उम्मीदें लगाए दोबारा से, खुश है कौम उनके आने से? यार जहाँ तक मैं समझता हूँ वेलकम करनी चाहिए, क्योंकि उसके आने से तब्दीली आने की चांस है। बाकी आगे अल्लाह मालिक है, क्योंकि इस तरह की और कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कोई पैगाम देंगे मियां साहब को कि वो आने के बाद ये चीज़ पहले करें? खैर सबसे पहले मुल्क को, मुल्क है तो हर चीज़ है, समझे? अगर वो मुल्क की है तो क्या बात है, नहीं तो वैसे ही आबाद है। बताइएगा आज जो है
खातून की जो चेयरमैन है मियां नवाज शरीफ साहब जो वापस आ गए पाकिस्तान, क्या लगता है मुस्तकबिल में? मुस्तकबिल में अभी आप देखें कि अल्लाह करे कुछ बेहतरी हो जाए, कि ये जो हमारे जो मामलात हैं दीगर जो आशिया है महंगी हुई है, इनके लिए जो भी करें तो बेहतर करें। खुशी है समाज शरीफ के वापस आने की? देखिए खुशी अब इस हालात में क्या खुशी बोल सकते हैं, अब पिछले हुक्मरान हैं माशाल्लाह ये भी हैं सब गए, अब उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, अब देखते हैं।